स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट में, एक ऐसा शो जिसमें हम लेके आते हैं स्पॉटलाइट में उन स्टूडेंट्स को, उन अचीवर्स को जिन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, और उनसे ही जानते हैं उनके इंस्पायरिंग सक्सेस जर्नी को। ओके, और आज मैं प्रद्युम्न त्रिपाठी आप सभी के बीच लेकर आया हूँ दिनेश को, जो कि बिलोंग करते हैं राजस्थान से, और इन्होंने इस बार बहुत ही शानदार परसेंटाइल के साथ अपना नेट GRF क्रैक किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम दिनेश, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म, वेलकम टू दिस स्पॉटलाइट, आपका स्पॉटलाइट में स्वागत है। और आई होप कि इस सक्सेस के बाद आप बहुत खुश होंगे, आपके परिवारजन में बहुत खुश होंगे आप सभी आपसे, और डेफिनेटली यू मस्ट बी फीलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लेट्स से मोटिवेशन विद इन योर लाइफ। ओके, आगे के लिए बहुत एक एस्पायरिंग फ्यूचर आपको दिख रहा होगा। सो पहले तो उसकी बहुत सारी बधाइयां, इतनी कड़ी मेहनत के बाद आपको इतनी अच्छी सक्सेस मिली। और इसके बाद डेफिनेटली दिनेश, मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और आपने कितने परसेंटाइल से इस एग्जाम को क्रैक किया है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम सभी को शेयर कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर सच ए लवली इंट्रोडक्शन, एंड आई एम फीलिंग ऑनर कि आपने मुझे मतलब कि एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपना स्टोरी को शेयर कर सकूं। तो सर मैं वैसे नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से बिलोंग करता हूं, और अभी मैं MA कर रहा हूं, मतलब मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से MA चल रही है। क्या बात है, बढ़िया। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने 99.96 परसेंटाइल के साथ GRF क्लियर किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट 99.96 परसेंटाइल, आई गेस दिस इज समथिंग ऑन द टॉपर्स लिस्ट, यू आर ऑलरेडी इन द मतलब सबसे टॉप पर ही होंगे आप। मैं तो 3-4 स्टूडेंट के 4-5 स्टूडेंट्स में, सो हिसाब से देखा जाए तो, और आप एक बहुत स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, पहली बात तो मैं सबसे बड़ी बधाई आपको इस बात को दूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं DU JNU वाले इस स्कोर तक नहीं पहुंच पाए, और आपने अपने लोकल यूनिवर्सिटी में अपने अपने प्रिपरेशन के, अपने प्रयासों के साथ इतना अच्छा स्कोर हासिल किया, तो ये अपने आप में आपकी अचीवमेंट है। मैं सिंपली बोलूंगा इस अचीवमेंट का सबसे बड़ा क्रेडिट आपको, आपकी प्रिपरेशन को जाएगा, बिकॉज कहीं से भी आपने जो सपोर्ट लिया है, जिस भी तरीके से आपने किस टीचर्स की मतलब इसीलिए की हेल्प ली है, वो सब अलग बात है, बट जिस डेडिकेशन से आपने पढ़ा है डेफिनेटली शो कर रहा है कि आपका कुछ अलग ही आस्पेक्ट है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। सो आपकी स्टडी जाने में बहुत मजा आएगा। चलिए, तो आपने बताया कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और जयपुर में ही, आप जयपुर में ही रहते हैं, जयपुर की यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी की थी ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। सो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, जब डेफिनेटली आपको पता है कि जो GRF का एग्जामिनेशन है, इट इज सच अपने आप में एक टिपिकल एग्जामिनेशन है। ओके, इतना बहुत आप जैसे पता है आपके 1% लोग सिर्फ सिलेक्ट करते होते हैं GRF के लिए स्पेशली। ओके, जितने भी फॉर्म भरते हैं, हजारों बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें सिर्फ 1% स्टूडेंट्स दे गेट सिलेक्टेड फॉर GRF। ओके, सो जब इतना कठिन एग्जाम आप देते हैं तो डेफिनेटली प्रेशर होता है, और वो जो प्रेशर है बहुत सारी नेगेटिविटी लेके आता है। सो उस नेगेटिविटी के साथ में आपने कैसे डील किया, बिकॉज जब टारगेट बहुत दूर दिखता है तो एक घबराहट होती है, हर स्टूडेंट को होती है। सो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने भी वैसे ही कुछ घबराहट फेस की थी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कि आप बिल्कुल बिंदास थे? हाँ सर, घबराहट थोड़ी बहुत थी लेकिन उतनी थी नहीं एक्चुअली। अच्छा, क्या हुआ था कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहा था तो मेरे को यही लगता था कि उतना कुछ खोने के लिए तो है नहीं, खोने के लिए नहीं। हाँ, और मतलब कि फुल अच्छे से करते हैं, क्या पता फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ सही रहा तो एक बार में हो जाए तो फिर वो बार बार का चक्कर खत्म हो जाए। ये बहुत सही पर्सपेक्टिव है, मतलब एक यूजुअली बहुत अच्छी वैसे लाइफ की फिलॉसफी, मैं भी इस चीज में बहुत बिलीव करता हूं। दिनेश, मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ में अगर आप सोचेंगे कुछ पाने के लिए ना, तो हमेशा डर डर के आप काम करते हैं, और उसमें हमेशा हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब आप सोचेंगे कुछ खोने के लिए नहीं, क्या क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, बट ये है कि जो पा लिया वो पा लिया, तो उसमें हमेशा आप खुश रहते हैं। आप अपनी जर्नी को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस सफर पे आप निकलते हैं तो मंजिल तो सबको मिल जाती है, ठीक है, पर सफर का मजा लेना चाहिए। सफर का मजा लेंगे तो मंजिलें अपने आप आपको आते जाएंगे, बिकॉज मंजिल तो क्या, एक दिन की, आपने GRF किया, अब आप आगे बढ़ेंगे, आप कुछ और करेंगे, तो ये जो मंजिलें हैं तो एक एक दिन, दो दो दिन की चीजें होती है, बट सफर जो है वो मजेदार होना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान रखिएगा कि अपनी प्रिपरेशन को एक शानदार सफर बनाइए, ठीक है। उस सफर में जो आप सीखेंगे, एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, अपने आप को समझ पाएंगे कि आपकी कितनी कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्वालिटीज हैं, और जैसे कि दिनेश ने बहुत चिल होके बिल्कुल प्रिपरेशन की, आप भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को, बहुत सारे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, तो दिनेश अपने आप में एक बहुत ग्रेट इंस्पिरेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लोग पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं एग्जामिनेशन को। सो थैंक यू दिनेश इस बात के लिए। और अब जैसे जैसे दिनेश आपका स्कोर इतना ग्रैंड है, ठीक है, 99.96 परसेंटाइल, सो मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या क्या स्ट्रेटेजीज आपने स्पेशली फॉलो की, वो थोड़ी सी स्टूडेंट्स को बताइए जिनसे उनका भी थोड़ा सा कुछ भला हो सके, ठीक है, तो आपकी बात सुन के शायद तक उनको भी कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी और कुछ आइडियाज वो ले सकेंगे आपकी स्ट्रेटेजी से। तो सर मैंने स्टार्टिंग जब की थी तो लगभग आपके वीडियो से की थी, क्योंकि यूट्यूब वगैरह से मेरे को पता चला था,
और फिर जब मैंने सिलेबस देखा तो मेरे को लगा था कि काफी टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत रिलेटेबल है और ग्रेजुएशन में पढ़े हैं अपने। डेफिनेटली। तो फिर जब मैं अपने बायजूस एग्जाम प्रेप की यहाँ आया ऐप पे, तो वहां पे मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। अच्छा अच्छा ओके। और मेरी शुरू से यही अप्रोच रही थी कि मैं सिलेबस को धीरे धीरे साथ में कंप्लीट करूंगा, लेकिन टेस्ट में फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दूंगा। बहुत सही, वेरी गुड। तो होता क्या था कि मैं टेस्ट देता था और उसमें जितने भी क्वेश्चन गलत होते थे उनको मैं अलग एक सेपरेट नोटबुक में लिख लेता था, और उनको भी मैं अलग यूनिट वाइज लिखता था ताकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, मतलब वो बहुत ही बेनिफिशियल रहे मेरे लिए। चलिए, वेरी गुड। और कोई बात, और ऐसा कोई स्पेशल? ये तो वैसे बहुत बहुत जेन्युइन बात है। मैं हर बार स्टूडेंट्स को, मतलब अगर आपने भी मेरी क्लासेस ली होंगी, मैं हर बार जब भी मैं स्ट्रेटजी सेशन लेता था, मैं सबसे, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट बोलते सर ऐसा करें सिलेबस पहले कवर कर ले फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हुई। और जैसे दिनेश ने बताया बहुत सही बात कि पहले से आप सिलेबस कितना कवर हो, कोई दिक्कत नहीं। गलतियां जब होंगी तो उनकी अप्रोच पॉजिटिव थी दिनेश की, क्लियर, कि गलतियां होंगी कोई दिक्कत नहीं है, गलतियों से मैं उन गलतियों को लिखते जाऊंगा कि यहाँ यहाँ गलतियां, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं, बट उससे अपने आप में अटेंशन और जो अट्रैक्शन है सब्जेक्ट की तरफ वो अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जब आप गलतियां करते हैं आपको लगता है कि मुझे ये सीखना है, तो सीखने की इच्छा, और सीखने की इच्छा करते हैं आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट सीख है जो आप सभी लोग दिनेश से ले सकते हैं कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज लगाते रहिए, इंतजार मत कीजिए। आप सोचेंगे कि पहले मैं सिलेबस कवर कर लूं और फिर पढ़ाऊं, उसमें नुकसान मेरा आपसे दिनेश आपने भी महसूस किया होगा, जब अगर आप बिना मॉक टेस्ट लगाए करते हैं तो आप अननेसेसरी चीजें पढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आप मान सकते हैं इस बात को कि आपने मॉक टेस्ट लगा लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। ये चीज समझने में आपसे हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती, आप थोड़ा सा बता सकते हैं इस बात के बारे में कि सर जब मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो सर वो आइडिया हो जाता है कि इस यूनिट को यहाँ पढ़ना है, ये चीज स्किप करनी है और इतना ही पढ़ना है बस। बस बस स्ट्रेटेजी है आपकी बहुत क्लियर हो जाती है कि शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं आपकी यहाँ से, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चलता है कि अच्छा ये, बिकॉज यूजुअली स्टूडेंट्स का क्या होता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए हम तो वो पढ़ लेंगे। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई बता नहीं सकता आपको, हम लोग थोड़ा बहुत बता देंगे बट आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। जब आप खुद ढूंढ लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन इतनी आसान हो जाएगी, इतना बड़ा जो सिलेबस है वो झटके में आप खत्म कर लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, तो ये आपने बहुत शानदार स्ट्रेटेजी बताई अपनी, और मेरे हिसाब से सबसे वैलिड, अभी तक मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यूज दिए हैं और जो मुझे पॉइंट सबसे वैलिड लगा दिनेश का लगा, क्योंकि सही में मॉक टेस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर इनसाइट। एंड आगे बढ़ते हुए, मैं स्पेशली जैसे आपने बायजूस एग्जाम प्रेप का भी नाम लिया अपने प्रिपरेशन में, आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की थी, सो टेस्ट सीरीज के थ्रू आपने जो प्रिपरेशन की उसमें, मतलब जो भी आपने बायजूस प्लेटफॉर्म पे यूज किया, फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस या फिर जो भी चीजें हैं, सो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, तो उसमें क्या क्या सेगमेंट्स आपने किस तरीके से यूज किया और उनके क्या बेनिफिट्स आपको रियलाइज हुए प्रिपरेशन करते टाइम, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपको थोड़ा बता सके मुझे तो। सर मैंने जो अपने बायजूस के क्लास नोट्स है उनको, मतलब बेसिक सोर्स वही थे मेरे सारे के सारे। अच्छा। क्योंकि उनमें सारे टॉपिक क्लियर है तो अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती इंटरनेट पे। फिर सबसे ज्यादा मेरे को मॉक टेस्ट ने बेनिफिट किया, और जो डेली क्विज आते हैं वो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मैं जैसे वैसे नोट्स मेकिंग नहीं करता था, मैं क्वेश्चन सोल्व करता तो उसमें जहाँ पे प्रॉब्लम आती थी उसी के नोट्स बनाता जाता था। बहुत सही। क्योंकि जितने भी क्यूज आते हैं उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया होता है कि एक क्वेश्चन के साथ में पांच चार क्वेश्चन और क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। और सबसे मेरे को इम्पोर्टेंट यही लगता है नेट में कि कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जब अपन क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स सोल्व करेंगे तो अपने को आइडिया लग जाता है एक तो पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। बिल्कुल। और उस अकॉर्डिंग जब अपन क्वेश्चन करते रहते हैं तो कंसेप्चुअल इतनी क्लियरिटी हो जाती है कि एग्जाम के टाइम वो एक जो एग्जाम फोबिया होता है ना वो बिल्कुल खत्म सा हो जाता है। बिकॉज आपने खुद को टेस्ट कर लिया है बहुत बार कि आपका कॉन्सेप्ट जो आपने समझा है और जो आपने क्वेश्चन में अप्लाई किया उसको, तो आपको पता चला कि आपकी एप्लीकेशन सही है कि नहीं, तो वहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये बिल्कुल बहुत सही बात है कि आप जैसे आपने पर्सपेक्टिव रखा कि नोट में वही चीजें लिखते थे आप जो आपको पता नहीं है, जो आप नए आप देखते रहे क्वेश्चन थ्रू तो उनको आप नोट्स में डालते रहे, तो ये यूजुअली ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव होता है नोट्स मेकिंग का, जिसमें आप अपने नोट्स को क्रिप्स रख सकते हैं, छोटे रख सकते हैं, अदरवाइज बहुत बड़े बड़े नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम के टाइम रिवाइज नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए नोट्स को बिल्कुल सिंक्रोनाइज रखना चाहिए और उसमें वही चीजें लिखें जो आपको पता नहीं है, जो आपको याद नहीं हो रही है, जिससे आप बाद में उसको रिवाइज करें, बिकॉज नोट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको रिवाइज करना है आपको। अगर आपने ऐसे नोट्स बना लिए जो बाद में रिवाइज नहीं हो पा रहे तो क्या मतलब, वो पुलिंदा किसी काम का नहीं जिसको आप बाद में रिवाइज कर सके। तो चलिए, बहुत शानदार लाइक दिनेश इस बात के लिए। अच्छा, अब जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो डेफिनेटली आप पता है आप उस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं जब कोविड का टाइम पीरियड था और बहुत सारी अड़चने आई बीच में, इतने बार पेपर पोस्टपोन्ड हुआ,
तो वो जो टाइम पीरियड था उसमें खुद को मोटिवेटेड रखना वो कैसे, बिकॉज जब आप प्रिपरेशन करते हैं डेफिनेटली हमारी इच्छा होती है कि हम किसी चीज में इन्वेस्ट करें तो उसके रिजल्ट जल्दी मिले और खत्म हो, बट इस बार तो कुछ लंबा ही चला, ठीक है, खतरनाक मेरे हिसाब से आपने प्रिपरेशन बहुत पहले स्टार्ट की होगी और उसके बाद जाके मुश्किल से एग्जाम हुआ और मुश्किल से रिजल्ट आए हैं। तो वो जो टाइम पीरियड है प्रिपरेशन के टाइम में, नॉर्मली एक स्टूडेंट प्रिपरेशन के टाइम में खुद को मोटिवेटेड कैसे रखे, इसके बारे में थोड़ा सा हमको इनसाइट दीजिए अपनी। प्रिपरेशन के टाइम मोटिवेशन का तो थोड़ा इश्यू हो जाता है कि कभी कभार बहुत लो फील होता है कि टाइम भी लग रहा है, फिर अनसर्टेनिटी बहुत थी कि एग्जाम कब होगा क्योंकि आगे भी बहुत पोस्टपोन हो रहा था। लेकिन मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल यही रहा था कि जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो जीरो से की थी और मैं हमेशा मॉक देता था तो मेरे को प्रोग्रेस अपनी काउंट कर रहा था, तो मैं इसमें यही पॉजिटिव देख रहा था कि जितना थोड़ा आगे खिसक रहा है मैं उसमें एक दो नंबर इंक्रीज कर रहा हूँ अपने। और मेरे लिए मैं सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन उसको रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरे को लगता है कि अगर लर्निंग ओरिएंटेड करें ना तो वो बहुत ही इजी हो जाती है और स्मूथ हो जाती है बहुत ज्यादा। क्या बात है, बिल्कुल सही। आपका आपका आपकी बातें सुन सुन के मुझे अपना एक पिक्चर याद आ रही है, अगर मैं सच्ची सच्ची बताऊं, अगर आप पहचान पा रहे, थ्री इडियट्स आपने मूवी देखी होगी डेफिनेटली। थ्री इडियट्स में जो कैरेक्टर था उसके बहुत सारे स्टेटमेंट थे कि सक्सेस के पीछे मत भागे, नॉलेज के पीछे भागे। तो नॉलेज सही है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है लाइफ में, जो आपके एक पर्सपेक्टिव है ना, जो डिमोटिवेशन वाला ये सब चीजें ये इसलिए होती है बिकॉज आप टारगेट पे ज्यादा फोकस्ड हैं, इंस्टेड ऑफ उस टारगेट को पाने की जो प्रक्रिया है उसको आप एंजॉय कीजिए। तो अपने आप को एंजॉय करते करते पता भी नहीं चलेगा आपको कि अब आपका कब आपका सिलेक्शन हो गया और आप बिल्कुल सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप दिनेश को देख रहे हैं, सभी लोग जो भी व्यूअर्स हैं, कि दिनेश कितने चिल्ड आउट है और इतने चिल्ड आउट होते हुए उन्होंने इतना शानदार स्कोर मारा, ठीक है। आप लोग बहुत हाइपर हो जाते हैं प्रोफेशन को लेकर, ये हो गया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत चिल्ड आउट होके। अच्छा मैं चलिए दिनेश इस बारे में पूछना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत 12-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप कितने घंटे पढ़ते थे तकरीबन? अरे प्रिपरेशन के लिए 12 घंटे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे को लगता है कि अगर कंटिन्यू आप 4-5 घंटे भी दे देते हो ना, लेकिन वही कंटिन्यूटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी, बिल्कुल सही बात है ना, कंसिस्टेंसी। मेरे केस में तो ऐसा था कि मैं साथ साथ में स्टेट के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा था, और मेरे जो ये 3-4 एग्जाम हुए थे, 3-4 स्टेट के थे और बाकी नेट का, ये सारे 2 मंथ्स के अंडर हो गए थे, 2 मंथ्स के अंडर, जिसमें एक स्टेट पीसीएस का एग्जाम भी था। तो वो ये कि अपने को एग्जाम का जो ओरिएंटेशन उसको देखते हुए खुद को प्रिपेयर करना है और सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उतना ये नहीं होता, स्मूथ होता भी नहीं है, कहीं पे डिमोटिवेशन भी होता है, सब कुछ होगा, ह्यूमन है, सब कुछ फील करना पड़ेगा और उसको उससे डील करना पड़ेगा, ठीक है। उस फेज में आप निकल गए, खुद को वहां से निकाल के बाहर लाइए और फिर से मेहनत में लगिए। तो प्रिपरेशन मैं सभी को बता देता हूँ, जैसे दिनेश ने बताया, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 12-15 घंटे पढ़ना है, इट्स ए नॉर्मल। अगर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं डेली, आप 6-7 घंटे बहुत हो गया, मतलब 5-6 घंटे का बेसिक बनाइए और एग्जाम जब पास रहे तो 7-8 घंटे कर सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगता, बट डेली होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 दिन पढ़ा, 2 दिन 12 घंटे पढ़ा और बाकी के 3 दिन में छुट्टी वाले सो रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो फिर आपकी प्रिपरेशन नहीं, बिकॉज आप सोचते हैं कि अरे आज तो मैं बहुत पढ़ लूंगा, कल कुछ नहीं पढ़ा, तो वो नहीं, एक कंसिस्टेंसी पढ़िए, भले 3 घंटे पहले 3 घंटे शुरू किए, 4 पे जाइए, 5 पे जाइए और आराम से आप कंसिस्टेंटली इंप्रूव करना स्टार्ट करेंगे, परफॉर्मेंस उसमें दिखेगा। चलिए तो दिनेश थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं आप इसके बाद आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इतनी अच्छी सक्सेस आपको मिली है तो इसका क्रेडिट आप अपने परिवारजन, अपने दोस्तों, किसको किसका शेयर करना चाहेंगे, आपके टीचर्स वगैरह जो भी, मतलब डेफिनेटली क्रेडिट किसको जाना चाहिए, डेफिनेटली आपकी मेहनत खुद जाएगा, उसके साथ साथ आप इसका क्रेडिट और किसके साथ शेयर करना चाहेंगे? क्रेडिट फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली को, क्योंकि उनका तो एक इमेंस सपोर्ट रहता ही है, वो ही हर टाइम मोटिवेशन और उनका तो अनकाउंटेबल एक सपोर्ट एक तरीके से। फिर सर सबसे इम्पोर्टेंट जो गाइडेंस में सपोर्ट मिला वो आपका और प्राची मैम का बहुत इसमें रोल रहा था, थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि सर जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो उतना कुछ आइडिया भी नहीं था, और आपके जो फ्री क्लासेज है वो बहुत ही बेनिफिशियल था, क्योंकि जहाँ पे भी डाउट आता था वहाँ पे फिर आपसे अगर कुछ भी डाउट है तो बहुत ही इजीली अप्रोच है कि मतलब जो अपना ग्रुप वगैरह वहाँ पे क्वेश्चन पुट अप कर लो, डायरेक्ट उसका आंसर मिल जाता है, तो उसका बहुत बेनिफिट मिला था। फिर आपके क्लासेस यूट्यूब वगैरह पे देखते थे तो उनमें मोटिवेशन की भी वो कोई होता ही नहीं था, वो बिल्कुल एकदम ऐसे लगता था, तो वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल था। चलिए अच्छी बात है, सो बधाई हो आपको फिर से एक बार और इतने शानदार परफॉर्मेंस के लिए, एंड आई होप कि बहुत जल्दी आप अभी मास्टर्स कर रहे हैं और बहुत जल्दी अच्छे से एक पीएचडी के कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, और फिर बताइएगा जरूर कि किस सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल, मेरी उत्सुकता रहेगी कि जाने के लिए कि दिनेश ने
क्या टॉपिक से रिसर्च कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट होए कभी ना कभी मुझे जरूर बताइएगा, और डेफिनेटली आगे फ्यूचर में भी आपके इंस्पिरेशनल जर्नी को हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस स्पॉटलाइट बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट, और अपना जो आपने इंस्पायरिंग जर्नी शेयर की अपने दोस्तों के साथ में, हमारे स्टूडेंट्स के साथ में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. ओके, और ऐसे ही हम बहुत शानदार और भी बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को आपसे मिलवाते रहेंगे इस स्पॉटलाइट में, स्पेशल स्पॉटलाइट सेशन में, जिसमें हम अचीवर्स को आपके बीच लाते हैं और उनसे जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी को. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन.